श्रीमती हरसिमरत कौर। शुक्रिया सर। सर मैं आभार व्यक्त करती हूँ, मंत्री जी ने कहा कि एम्स जैसे जैसे उसमें कैपेसिटी बढ़ेगी उसी तरह से उधर की पोस्टें भी भरी जाएंगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 2019 में जो ये एम्स एस्टेब्लिश बठिंडा में चल गया, पूरी तरह से चल रहा है, 750 बेड का ये अस्पताल है, लेकिन सब बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पे इतने सारे 3 नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज, 750 बेड, जहाँ 2000 ओपीडी रोज होती है, तकरीबन 400 वहाँ पे केस आते हैं, 40 केस रोज इमरजेंसी के, लेकिन इमरजेंसी में सिर्फ 28 बेड हैं। तो ये मैं मंत्री जी से काफ़ी बारी मैं ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि इसको कम से कम एक ट्रॉमा सेंटर 300 बेड का होना चाहिए। और जहाँ तक इधर की फैकल्टी की डिमांड की है, मैं मंत्री जी को ज़रूर बताना चाहूँगी कि 4 साल हो गए अब यहाँ पे सारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स सारे हो गए, पर यहाँ पे पोस्टों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये जो पोस्ट जो ऑथराइज 765 फैकल्टी में है, सिर्फ 156 की कमी है, और नॉन फैकल्टी में तकरीबन 50% की कमी है। तो ये पोस्ट कब तक होंगे? सर एक चीज़ और ज़रूरी कि सब बहुत मान की बात है कि इस एम्स में इन्होंने अपना लिवर ट्रांसप्लांट भी शुरू कर दिया है। सो सर इधर चिट्ठी लिख के भेजी हुई है कि अब ये स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ये भी शुरू करना चाहते हैं, कैडेवर डोनर। ओके ओके, आप एम्स का जो